बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में पन्ना नंबर 30 पर पाठ क्रमांक 4 तमिल के संत कवि, ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध कथा है, तिरुनेलवेली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए लेखिका जाने वाली थी। तिरुवनंतपुरम में कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वह कन्याकुमारी रुकने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। कन्याकुमारी में सौंदर्य का नज़ारा देखने के लिए, सनसेट देखने के लिए, सूर्य का नज़ारा देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसके हाथ में निराशा आई, क्योंकि जहाँ वो रुकी थी ना वहाँ जहाज़े की रोशनी थी, ना ठहाटे मारते समुद्र की ऊंची लहरें। वहाँ रुकने का प्रबंध कैंसिल करने के बाद वो आयोजकों ने लेखिका के रुकने का प्रबंध किया, जहाँ से सूर्योदय दर्शन बड़े अच्छे से होता था। यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करने के लिए आते थे, बाल किरणों का आनंद लेते थे। वो दृश्य टकटकी लगाए लेखिका देख रही थी, तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा विराजमान पाया। विवेकानंद तो नहीं है, लेखिका ने विचार किया, इसकी प्रतिमा है। अपनी अज्ञानता के कारण यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक प्रस्तर शिला के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता समुद्र में। कुछ जी जानकारी लेने के बाद, तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा थी वो, समुद्र के उच्च तल पर विराजमान थी। बचपन में पढ़ा था तिरुवल्लुवर एक उनके बारे में एक प्रसंग अनायास ही याद आ गया। तिरुवल्लुवर भोजन करते समय अपने भोजन करने के समय अपने साथ कटोरी लेकर बैठते, साफ पानी, सुई धागा सुई लेकर बैठते, और जब वो खाना खाते समय अन्न गिरता तो उसे सुई से उठाकर कटोरी में डालकर साफ करवा के खाते, क्योंकि अन्न को वो ईश्वर मानते थे। इसकी वजह से उनकी पत्नी, जिनका नाम था वासुकी, दक्षिण भारत के इस आनु के कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत में प्रसिद्ध संत कवि जीवन की कहानी एक सी है, क्योंकि संत कबीर को बचपन में उसके माता पिता ने त्याग दिया था, तो तिरुवल्लुवर जी को तिरुवल्लुवर जी का जन्म वल्लू समाज में हो गया था, तो वहाँ के तिरुवल्लुवर के एक वल्लू जुला जाति के पति पत्नी ने उन्हें संभाला था, क्योंकि वो निसंतान थे। आगे वल्लू होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ गया। तिरुल तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द इसका अर्थ है तिरु, तिरु का अर्थ है स्त्री। कहते हैं कि जन्म की कहानी जानने के पश्चात माता पिता से आज्ञा लेकर वो जंगल में तपस्या करने के लिए, वहाँ जाने के बाद उनका मन न लगा। उसके बाद उन्होंने लोक सेवा करने के लिए समाज में आए और वासुकी नाम की विधवा पत्नी विधवा स्त्री से उन्होंने विवाह किया। विवाह के पश्चात मायलापुर में रहने लगे। उसके बाद तिरुवल्लुवर उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था, वे दोनों संतोषी थे, परोपकार के कार्यों में लगे रहते। कुछ दिनों बाद तिरुवल्लुवर कविता करते, उन्होंने अपने जीवन पर आधारित 1330 कुरल रचे। कुरल का अर्थ है छोटा सा दो पंक्तियों का सिमटा छंद। इसे तिरुकुरल नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उन्होंने सद्गुण संपन्नता तथा प्रेम, परंतु तिरुवल्लुवर कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव के अनेक दुर्बलताओं का वर्णन करते। कवि में कोरी उपदेशात्मकता थी, धार्मिक दृष्टिकोण से वो लोगों को बताते। उसमें सर्वत्र यह व्यवहारिकता और सहजता से लोक जीवन में सरलता अपनाया जा सकता है। तिरुवल मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है, साथ ही साथ धन के सद्गुणों के बनाए रखना भी कठिन होता है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता था। कबीर की साखियों की तरह तमिलनाडु में कुरल गाए जाते। कुरल शिक्षाप्रद रचना है, इसके बाद प्रत्येक पद में संदेश निहित रहता। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशालकाय प्रस्तर प्रतिमा है,
जिनकी पहली तीन उंगलियां दिखाई देती है। इन तीन उंगलियों से उनके कुरलों के तीन प्रकोणों का संकेत मिलता है, जैसे प्रतिमा एक ही शिला से तराश कर बनाई गई है। भारत के दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत की ओर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में संगम स्थल पर इसे इस विराट प्रतिमा को लगाया गया है। प्रतिमा के आसपास विश्राम स्थली बनी है, जहाँ से तीनों समुद्र का विहंगम दृश्य दिखाई दे सकता है, दिखाया जा सकता है। इस विश्राम स्थल की दीवारों पर कुरल लिखे हैं, जिन्हें देखकर मन आनंदित हो उठता है। मैं भी भाव विभोर हो गई। तमिल के संत की जानकारी संक्षेप में लेने के बाद हम बढ़ते हैं शब्दार्थों की ओर। आयोजकों, प्रबंधकों, व्यवस्था, इंतजाम, नैसर्गिक, विशालकाय, प्रस्तर, पत्थर, प्रतिमा, मूर्ति, सात्विक, सत्वगुण वाला, नवजात, नया नया जन्मा, व्यवहारिक, व्यवहार से संबंधित, अभिशाप, शाप, प्रकरण, प्रसंग, विश्राम स्थली, आरामगाह, टिप्पणी, कुरल। तमिल भाषा का दो पंक्तियों वाला एक छोटा सा छंद, जिसे हिंदी में दोहे कहते हैं और तमिलनाडु में कुरल कहा जाता है। पाठ बोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। पहले मौखिक प्रश्न क, लेखिका तिरुनेलवेली क्यों गई थी? लेखिका तिरुनेलवेली गई थी क्योंकि वे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाली थी। ख, समुद्र में विशालकाय प्रतिमा किसकी थी? समुद्र में विशालकाय प्रतिमा तमिल के प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर जी की थी। तिरुवल्लुवर कौन थे, इनका जन्म कब हुआ? तिरुवल्लुवर एक वल्लू समाज के व्यक्ति थे। उनका जन्म 1943 में हुआ। आगे तिरु और वल्लो शब्दों के क्या अर्थ है? तिरु का मतलब है, तमिल भाषा में इसे संत कहा जाता है, जो छोटे छोटे कुरल रचे जाते हैं। तिरु वल्लू है का अर्थ है वल्लू समाज का। तिरु और वल्लू शब्दों के अर्थ, तिरु तमिल भाषा का एक आदर्शरूप शब्द, इसका अर्थ है श्री। तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वल्लू इसका अर्थ है, वल्लू समाज का तिरुवल्लुवर। कुरल से क्या तात्पर्य? कुरल संग्रहित है जो तीन भागों में बटे है, सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। कुरल का अर्थ ही है छोटा, और ये दो पंक्तियों में सिमटा छंद, जिसे तिरु व कुरल नाम ग्रंथ में लिखा है। लिखित प्रश्न, लेखिका सूर्योदय का दर्शन करने के लिए क्यों उत्सुक थी? कन्याकुमारी में जाकर लेखिका सूर्योदय का दर्शन करने के लिए उत्सुक थी क्योंकि वहां से सूर्य की किरणें जो समुद्र तल पर विशाल होती थी, वो देखने के लिए, सुंदर नज़ारा देखने के लिए उत्सुक थी। कन्याकुमारी भी जाकर सूर्योदय का दर्शन करने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उन्होंने अपने रहने की जगह समुद्र के किनारे रखने का आग्रह किया था। ख, तिरुवल्लुवर के जीवन के किस प्रसंग का उल्लेख लेखिका ने किया है? तिरुवल्लुवर जी के जीवन का प्रसंग लेखिका ने, उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के इस प्रशांत अनोखे कवि तिरुवल्लुवर और उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत कबीर जीवन की कहानी एक सी है। तिरुवल्लुवर और संत कबीर के जीवन में क्या क्या समानताएं थी? तिरुवल्लुवर और संत कबीर दोनों को एक निसंतान पति पत्नी ने संभाला था, और वल्लू यानी जुलाव समाज के लोगों ने, माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। कबीर जी ने दोहे रचे थे, तो संत तिरुवल्लुवर जी ने
कुरल रचे थे। इस तरह से सामाजिकता के माध्यम से इनमें समानताएं थी। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? इसे तमिल भाषा का वेद क्यों कहा जाता है? तिरुवल्लुवर जी मानते हैं कि निर्धनता ऐसा विषय है जो विनाश का कारण बन जाता है, साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। कुरल में मुख्यतः किन भावों का कुरल में मुख्य किन भावों को लिया गया है? कुरल में मुख्य तीन भावों को लिया गया है, जैसे यहाँ पे सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। तिरुवल्लुवर के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों, मानव स्वभाव के अनेक दुर्बलताओं के दर्शन होते हैं, इसलिए उपदेशात्मकता, धार्मिक दृष्टिकोण और सामाजिकता का भान, व्यावहारिकता में का भाव उसमें है। आशय स्पष्ट करें, मैं ईश्वर को अन्न मानता हूँ, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। जब तिरुवल्लुवर जी खाना खाने के लिए बैठे तो साथ में एक कटोरी और सुई लेकर बैठते, क्योंकि खाना खाते समय यदि गलती से कुछ गिरा तो उसे पानी के कटोरी में सुई से डालकर उसे साफ करके खाते थे और कहते, अपनी पत्नी के वासुकी को मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ, इसलिए तो तुम मुझे परोसते समय इतनी सावधानी बरतते कि मैं मुझे ऐसे करने का मौका ही नहीं देती। निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। समाज में रहने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना निर्धन भी हम रह भी नहीं सकते। इसलिए तिरुवल्लुवर मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है, साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद इसलिए तो कहा जाता है। सोचे और बताए, संगम स्थल से क्या तात्पर्य? संगम स्थल इसका मतलब है तीन स्थलों का जगह जहाँ तीन समुद्र आकर मिलते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, जिसे संगम स्थल कहा गया है। भारत के प्रसिद्ध संगम स्थल कौन कौन से? भारत के प्रसिद्ध संगम स्थल कन्याकुमारी है, ओडिशा है, कर्नाटक है, केरल है। भाषा ज्ञान बंगाल है। इनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। समुद्र तट, समुद्र का किनारा, मुंबई समुद्र तट पर स्थित है। प्रभात काल, सुबह का समय, सभी लोग सुबह के समय घूमते हैं। विशालकाय, बड़े आकार वाला, तिरुवल्लुवर जी की विशालकाय प्रतिमा है। प्रस्तर प्रतिमा, पत्थर की मूर्ति, समुद्र में तिरुवल्लुवर जी की प्रस्तर प्रतिमा खड़ी की है। मृत्युशैया, मरने वाला व्यक्ति, तिरुवल्लुवर जी की पत्नी वासुकी मृत्युशैया पर थी। स्वर संधि, अधिकांश, अधिक, अधिक अंश, अधिकांश, महोत्सव, महा अधिक उत्सव, महोत्सव। स्वर संधि में दो सूर्य के मेल से शब्द में परिवर्तन होता है। इन शब्दों का संधि विच्छेद करें। सूर्योदय, सूर्य अधिक उदय, सूर्योदय। शताब्दी, शत अधिक शताब्दी। देवालय, देव अधिक आलय, देवालय। महात्मा, महान अधिक आत्मा, महात्मा। परोपकार, परो अधिक उपकार, परोपकार। यथोचित, यथो अधिक उचित। उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखे। उपसर्ग मूल शब्द। प्रसिद्ध, प्र अधिक सिद्ध, प्रसिद्ध। उपदेश, उप अधिक देश, उपदेश। अभिशाप, अभि अधिक शाप, अभिशाप। नि अधिक राशा, निराशा, निर अधिक आशा, निराशा। अज्ञान, ओ अधिक ज्ञान, अज्ञान। संग्रहित, संग अधिक, स अधिक ग्रहित, संग्रहित। महासागर, महा अधिक सागर। इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखे। वाक्यांश, एक शब्द, वाक्यांश एक शब्द, क जो इस लोक का न हो, अलौकिक, स्थानीय या बोलचाल की भाषा, बोली भाषा, जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक। अच्छे गुण वाला, सद्गुणी। जहाँ दो बड़ी नदियाँ का समुद्र आकर मिलते हैं, उन्हें कहते हैं संगम। पांच, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करें। अशुद्ध, शुद्ध। अंधकार, अंधकार। मछुआरो, मछुआरो। सूर्योदय, सूर्योदय। ग्रस्त, ग्रस्त। व्यवहारिकता, इन व्यंजनों के संयोग से बनने वाले शब्दों के तीन तीन उदाहरण।
कोश क्ष क्षत्रिय त्र त्रिशूल त्रस्त ज्ञ ज्ञान ज्ञानी विद्वान श्र श्रावण श्रवण परिश्रमी क्षत्र ज्ञ श्र ये चारों संयुक्ताक्षर कहलाते हैं क्योंकि इनका स्वरूप दो अक्षरों को मिलाकर बनता है जैसे क्षत्र ज्ञ श्र क्षत्रिय त्र त्रिशूल ज्ञ ज्ञान श्र श्रावण क्षेत्र त्रस्त ज्ञानी श्रवण रक्षक नेत्र विज्ञान परिश्रमी। क अधिक्ष क्ष क्षत्रिय क्षेत्र रक्षक त अधिक र त्र त्रिशूल त्रस्त नेत्र ज अधिक ओ ज्ञ ज्ञानी ज्ञान विज्ञान क्ष अधिक र क्ष्र श्रावण श्रवण परिश्रमी क्षत्र ज्ञ स्र ये चारों संयुक्ताक्षर कहलाते हैं क्योंकि इनका स्वरूप दो अक्षरों को मिलाकर बनता है। इस तरह से आज हमने कक्षा आठवीं में तमिल के संत और उसके पाठ के नीचे जो शब्द थे प्रश्नोत्तर भाषा ज्ञान व्याकरण आदि के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।